मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का कहर जारी है। तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाते हैं, जो बारिश ने रफ्तार रोक दी है तो लोगों की परेशानियों में इजाफा कर दिया है। पहली तस्वीर आष्टा की है, जहां भारी बारिश के चलते एक पुलिया बह गई, जिससे कई गांवों का संपर्क टूट गया है। पुलिया टूटने से दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई है। दूसरी तस्वीर देवास के बागली से है, यहां भी बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं। इंदौर बैतूल नेशनल हाईवे से बागली का संपर्क टूट गया है। चापड़ा के पास गुनेरा गुनेरी नदी उफान पर होने से आवागमन बंद हो गया है। तीसरी तस्वीर झाबुआ की है, जहां लगातार बारिश से हालात बिगड़ गए हैं, कई स्थानों पर जलभराव की स्थिति बन गई है। थांदला ब्लॉक के ग्राम टिमरवानी में तीन तालाब फूट गए हैं, जिससे आसपास के घर जलमग्न हो गए हैं। चौथी तस्वीर बुरहानपुर के खकनार की है, खकनार में भी नदी नाले उफान पर हैं। बारिश से तहसील मुख्यालय से कई ग्रामों का संपर्क टूट गया है, ग्रामीण जान जोखिम में डालकर नदी नाले पार कर रहे हैं। पांचवी तस्वीर खंडवा की है, जहां अमलपुरा की भाम नदी में बाढ़ आ गई है, जिससे खंडवा होशंगाबाद हाईवे बंद है। तेज बारिश के बाद भाम नदी के ऊपर से पानी बह रहा है। छठी और आखिरी तस्वीर छत्तीसगढ़ की है, छत्तीसगढ़ के 18 जिलों में लगातार बारिश से हालात बेकाबू है, नदी नाले उफान पर है, जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। 18 जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। इन जिलों में नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। गरियाबंद का सिकासेर बांध भर जाने से पानी छोड़ा गया है। भारी बारिश की वजह से छत्तीसगढ़ का चित्रकूट जलप्रपात भी रौंद रूप दिखा रहा है, जहां पर्यटकों की तादाद बढ़ गई है।